रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में बिहार, यूपी और राजस्थान के दिग्गज नेता रेवाड़ी आएंगे और चिरंजीव राव के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। चिरंजीव राव ने कहा कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव 24 तारीख के बाद रेवाड़ी आएंगे और सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा 22 और 23 तारीख को चिरंजीव राव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। बता दें कि आज चिरंजीव राव ने हल्के के गाँव ढोकी, नया गाँव, काकोड़िया, घुड़काबाद सहित दर्जन भर गाँव में चिरंजीव राव ने जनसभाएं की और कांग्रेस के विकास कार्यों के नाम पर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। चिरंजीव राव ने कहा कि वे केवल विकास के नाम पर वोट करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों में रेवाड़ी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जितने विकास कार्य रेवाड़ी में हुए वो कांग्रेस शासन काल में हुए। लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम मेरा चल रहा है। इससे पहले ढोकी गांव में हमारा कार्यक्रम था, अभी नया गांव में हमारा कार्यक्रम है और लगातार ये जनसंपर्क कार्यक्रम हमारा चलेगा। मेरी कोशिश है कि हर मतदाता तक हम पहुँचें और मेरी कोशिश ये है कि डोर टू डोर के जरिए, जनसंपर्क के जरिए हर मतदाता तक पहुँचे, अपनी बात को हम पहुँचाएं। और जिस प्रकार से आज स्वागत हुआ है गांव में, ये दर्शा रहा है कि कितना प्यार आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का और नौजवान साथियों का है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि 5 तारीख तो औपचारिकता है, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब सबसे ज़्यादा बहुमत से अगर कोई सीट हम जीतेंगे तो हम रेवाड़ी जीतेंगे। और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रेवाड़ी के बुज़ुर्गों का रहा है, माताओं बहनों का रहा है, साथियों का साथ रहा है। एक चिरंजीव जी, बिहार आपकी ससुराल है जी, तो क्या ससुराल पक्ष से कोई चुनाव प्रचार में आएगा? जी जरूर आएंगे। मेरे नामांकन में मेरे, आपको पता है, ब्रदर इन लॉ तेजस्वी जी आए थे। 24 तारीख के बाद यहाँ पर वो आएंगे। अखिलेश यादव जी से ही मेरी बात हुई है, वो भी हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे क्योंकि वो हमारे गठबंधन के अंदर हैं। 22 तारीख और 23 तारीख को सचिन पायलट जी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी रेवाड़ी आ रहे हैं प्रचार करने। तो लगातार हमारे यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो पार्टी के आगे और भी आएंगे, तब इतना प्यार मुझे मिलेगा। और हम जो हमारी वोट मांग रहे हैं, लोगों के बहुत चीज़ें हैं जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, मेरी जो मुद्दा है वो एक ही है कि हम विकास करेंगे इलाके का। मेरे पिता ने काम किया, मेरे दादाजी की शराफत इस इलाका ही जानता है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम डेवलपमेंट करें इस इलाके की। जो 10 साल बीजेपी नहीं कर पाई उस काम को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आज जो शहर की हालात है, गांव की हालात है, वो बदहाल है। लोग बीजेपी का काम देख लिया 10 साल का, जो बेरोज़गारी आज चरम पे है, महंगाई है और आप देख ही रहे हैं शहर के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो उसको लगाने का काम हम करेंगे। एक कहे तो कोई कुछ भी सकता है, मैंने यही तो कहा, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। वो मेरे को मेरे एजेंडा से भटकाना चाहते हैं, मैं अपने एजेंडा से नहीं भटकूँगा। मैं उन्हें भी ये कहूँगा, आप अपना विजन बताओ, आप शहर के लिए करोगे क्या? दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से बेहतर है कि आप ये बताओ आप क्या करना चाहते हो, आप शहर को क्या दोगे अगर आप आओगे। आप चुनाव लड़ो अपने काम के ऊपर, अपने विजन के ऊपर। हमने करा है काम, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनाए, ITI बनाए, पॉलिटेक्निक बनाया। आप देखो नहरों का जाल हमारे समय में बिछा, रोड बने, सामुदायिक भवन बने, धर्मशालाएं बनी। वो ये बताया उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। राजनीति के अंदर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको दिया था। उसके अंदर आपको अपना विजन लोगों को देना चाहिए ताकि उस विजन को देखते हुए हम वोट करें।